बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपके साथ जिक्र किया था शाहिद काकान अब्बासी लंदन पहुंच गए। उन्होंने कल रात एक इंटरव्यू दिया लंदन से जियो न्यूज़ को, जिसमें उन्होंने इस बात की तरदीद करने की कोशिश की कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि शाहिद काकान अब्बासी पाकिस्तान से जाएँ अमरीका, अमरीका से पहुँचे वो लंदन और वहाँ पर उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो? तो ये एक अहम मुलाकात है जो शाहिद काकान अब्बासी की और नवाज शरीफ साहब की हुई है दोबारा। कल की तफसील मैंने आपको बताई थी कल की वीडियो में, आज मैं आपको बताऊंगा कि शाहिद काकान अब्बासी आखिर लंदन क्यों पहुंचे थे, वो क्या नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे रहे थे और किस बात पर नवाज शरीफ साहब को कायल किया जा रहा था। क्योंकि मुक्तदर हलकों ने ऑफर की थी शाहिद काकान अब्बासी को कि वो अगर चाहें तो वजीर आजम बन सकते हैं और अगर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आए तो वो उसमें मदाखलत नहीं करेंगे। तो ये क्या मामला है, शाहिद काकान अब्बासी पहुंचे हैं पाकिस्तान से अमेरिका, अमेरिका से लंदन और फिर लंदन से वो आएंगे पाकिस्तान, तो क्या शाहिद काकान अब्बासी बनने जा रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान? इसके साथ साथ कब तक आ सकती है ये अदम एतमाद की तहरीक, वो सारा मामला आपके सामने रखेंगे और नवाज शरीफ ने क्या बड़ा फैसला किया है वो भी आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। साथ साथ हमें आप Facebook और WhatsApp पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पेज को Facebook पे लाइक और फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों हुआ ये है कि नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा फैसला किया है लंदन में। अब तक आप देख रहे थे नवाज शरीफ साहब की जो तकरीरें थी उसमें बड़ा गुस्सा था, जारियाना रवैया था उनका, लेकिन फिर हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश की गई कि अगर मामला अदम एतमाद की तहरीक से हो सकता है और अगर नून लीग का ही वजीर आजम आ सकता है तो ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है और मुक्तदर हलके भी इस बात को ज्यादा तस्लीम कर रहे हैं कि इस सिस्टम को पूरे को घर भेजने से इसी सिस्टम को चलाया जाए और इसी सिस्टम में तब्दीलियां की जाए। इसी हवाले से सितंबर में जो ECL में नाम डाला गया था शाहिद काकान अब्बासी का, दिसंबर में उस नाम को निकाला गया। ये हुकूमत जो थी इमरान खान थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे लेकिन उस नाम को निकाला गया। फिर शाहिद काकान अब्बासी साहब पहुंचे थे अमेरिका, अमेरिका में उन्होंने इयादत करनी थी अपने ब्रदर इन लॉ की, बेनोई की, जहां पर कहा जा रहा था वो कोरोना से मुतासर हैं। लेकिन यहां अहम बात यह है कि शाहिद काकान अब्बासी की जो अहलियां हैं वो अमेरिका नहीं गई थी, ये इतना क्लोज, और वो जो शाहिद काकान अब्बासी के ब्रदर इन लॉ हैं वो बहुत करीबी हैं जो शाहिद काकान अब्बासी की वाइफ है उनके, लेकिन वो अपनी वाइफ को लेकर नहीं गए अमेरिका, वो अकेले तनहा गए अमेरिका। और खबरें ये हैं कि 8 दिन शाहिद काकान अब्बासी ने गुजारे अमेरिका में, जहां पर जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, नई इंतजामिया है अमेरिका की, जो बाइडन अब आ चुके हैं सदर अमेरिका के तौर पे, वहां पर शाहिद काकान अब्बासी की इस जो जो बाइडन है उनकी टीम के कुछ अहलकारों से, कुछ लोगों से, कुछ ऑफिशियल से मुलाकातें हुई हैं और ये ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें हैं। साथ साथ शाहिद काकान अब्बासी ने 8 दिन अमेरिका में गुजारे लेकिन वहां पर नून लीग के जराए बताते हैं कि नून लीग की जो तंजीम है उससे उनकी मुलाकातें नहीं हुई, वहां पर कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं हुई कि वो नून लीग के लोगों को एतमाद में लें या उनसे मुलाकातें करें। ये सारी जो दौरा था इसको निजी रखा गया, खुफिया रखा गया और इस तमाम जो इतलात थी इसको खुफिया रखा गया, इसको सामने नहीं लाया गया। जो शाहिद काकान अब्बासी थे वो कह रहे थे कि वो अमेरिका से डायरेक्ट पाकिस्तान आ जाएंगे, लेकिन वो पहुंच गए लंदन और खबर लीक हो गई कि शाहिद काकान अब्बासी आ गए हैं लंदन और वहां पर उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी। जब ये खबर सामने आई तो शाहिद काकान अब्बासी ने खुद सामने आके इकरार किया कि हाँ वो लंदन में है और मेरे जराए बता रहे हैं जो शाहिद काकान अब्बासी का कयाम है लंदन में वो भी नवाज शरीफ साहब ने ही उसका इंतजाम किया है। क्योंकि शाहिद काकान अब्बासी मुक्तदर हलकों का अहम पैगाम लेकर लंदन गए हैं जहां वो नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने जो एक सख्त मौकिफ अपनाया हुआ है उसको वो तर्क करें, उसमें वो नरमी लाएं और मामलात अगर खुशसलूबी से हल हो सकते हैं तो उसकी जानिब जाना चाहिए, टकराव के बगैर भी अगर मामला हल हो सकता है तो उसकी जानिब जाना चाहिए। मुस्लिम नून के एक जरिए ने मुझे यह भी बताया कि शाहिद काकान अब्बासी जनरल बाजवा के हवाले से बहुत नरम रवैया रखते हैं, उनके दिल में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। शाहिद काकान अब्बासी ने एक महफिल में जो मीटिंग हो रही थी नून लीग की उसमें यहां तक कहा कि जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं वो अच्छे शख्स हैं,
उनसे हमें हमसे डील करने में गलती हुई है जिससे बाद बिगाड़ पैदा हुआ, लिहाजा अब जो जनरल बाजवा हैं वो इस सिस्टम को चलता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं अगर सिस्टम में सियासी जमातें तब्दीली लाना चाहती हैं तो वो ला सकती हैं, लेकिन ये जो निज़ाम है, ये जो हुकूमत है, ये इसी तरह 2023 तक अपनी टर्म पूरी करे। तो अब यही पैगाम है जो लेकर शाहिद काकान अब्बासी लंदन पहुंचे हैं। हालांकि लंदन में लॉकडाउन है और शाहिद काकान अब्बासी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि शायद उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात ना हो सके। ये बहुत गैर मंतकी सी बात थी क्योंकि शाहिद काकान अब्बासी को जब वो अमेरिका में थे पहले ही मालूम था कि लंदन में लॉकडाउन है, वहाँ पर कोरोना की वजह से तमाम चीज़ें बंद है, निज़ाम ज़िंदगी बंद है, लेकिन फिर भी शाहिद काकान अब्बासी साहब पहुँचे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे लंदन और वहां पर नवाज शरीफ साहब से उनकी अहम और फैसला कुन मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब ने बड़ा फैसला किया और वो बड़ा फैसला ये है कि इन हाउस तब्दीली की जानिब जाया जाएगा, इमरान खान को किसी तरह हटाया जाएगा। उसकी वजह ये है के मुक्तदर हलके भी ये फैसला कर चुके हैं, बार बार इमरान खान ने जिस तरह गवर्नेंस के मामलों को हैंडल किया है और अब जिस तरह हज़ारा के मामले को हैंडल किया गया है, वो एक और जो है वो इमरान खान ने हजीमत का सामना पैदा किया है उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत के पुश्त पनाही कर रहे थे या उन पर इल्ज़ाम लगता था कि वो इस हुकूमत के पीछे हैं। तो नवाज शरीफ साहब अब बहुत हद तक मान चुके हैं कि इन हाउस तब्दीली की जानिब जाया जाए और यही बात आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ साहब को समझा रहे थे कि हमें इन हाउस की तरफ जाना चाहिए, इससे जो मामलात हैं वो खुश असलूबी से हल हो जाएंगे, इससे बेहतर है अगर सड़कों पे आया गया और इस सिस्टम को कुछ नुकसान पहुँचा तो वो तमाम सियासी जमातों के हक में नहीं होगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ये बड़ा फैसला कर चुके हैं और बहुत मुमकिन है कि जो ये मुक्तदर हलके हैं जो जिनकी ख्वाहिश थी आज से 4 महीने पहले भी, वो शाहिद काकान अब्बासी को ऑफ़र कर चुके थे कि अगर वो वज़ीर आज़म बनने पर राज़ी हैं, वो नवाज शरीफ साहब को मना लेते हैं तो उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है, या फिर अगर वो उनकी पार्टी ये तमाम जो पीडीएम की जमातें हैं उन्हें कन्विंस कर ले, उन्हें एतमाद में ले ले तो शाहिद काकान अब्बासी वज़ीर आज़म बन सकते हैं और इमरान खान जो है उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। तो अगला जो फरवरी और मार्च के महीने होंगे ये डिसाइसिव होंगे, ये फैसला कुन महीने होंगे और इन 2 महीनों में ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान में आगे निज़ाम हुकूमत किस तरह चलेगा। क्योंकि जब हज़ारा कम्युनिटी के पास जाना था, हज़ारा मुजाहिरीन के पास जाना था जो अपने लवाइकीन को रखकर बैठे हुए थे, इस मामले में भी जनरल कमर जावेद बाजवा को इंटरवीन करना पड़ा। जब कमर जावेद बाजवा बहरीन के दौरे पे थे वहाँ पर वो अहम मुलाकातें कर रहे थे और जब वो पाकिस्तान वापस आए तो उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपनी ज़िद तर्क करनी चाहिए और उन्होंने ही वहाँ पर हज़ारा बरादरी के साथ जो मामलात थे उनके लिए हिदायत दी कि उन मामलात को जल्द से जल्द तय किया जाए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जो है वो एक खाना पूरी एक दिखावे के लिए सिर्फ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की। जो मामला हुआ वो तमाम चीज़ें आपके नॉलेज में है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा एक पिछले दिनों बड़ी अहम मुलाकात हुई, साबिक फौजी अफसर हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं उनके घर में और वहाँ पर मोहम्मद अली दुरानी भी मौजूद थे, चौधरी निसार भी मौजूद थे और उस मुलाकात में ये बात हुई कि सिस्टम को कैसे आगे लेकर जाया जाए क्योंकि जो सियासी जमातों के साथ इस हुकूमत ने सिंग अड़ाई हुई हैं, पंजे आजमाए हुए हैं और ये सिस्टम चलकर नहीं दे रहा, ये सिस्टम मफलूज हुआ हुआ है, पार्लियामेंट नहीं चल के दे रही। तो अब मुक्तदर हलके ये फैसला कर रहे हैं कि बस अगर एक आदमी या एक वन मैन की वजह से ये मामला हो रहा है तो उसके लिए भी कोई मामला किया जाए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से अगर मामला हल हो सकता है, सिस्टम चल सकता है तो उसे चलाया जाए। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है, अपनी राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हमारा फेसबुक और व्हाट्सएप आपको नजर आ रहा होगा, आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।